अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आप लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? और मुक्कू सिपा गए हैं कोचिंग और मेरा नाश्ता हो चुका है और इस समय मैं घर पे अकेली रहती हूँ और मेरे एजी भी चले गए हैं और इतने समय तैमूर अभी तक सो के नहीं उठा। अभी बज रहे हैं 10 और तैमूर 11 बजे 12 बजे ऐसे उठता है और लेट 2 बजे 1 बजे रात को सोता है वो। और एंजल भी सोई है, एंजल आज नीचे सोई है, ये तो सोफे पे सोती है। और मुकू सिफा लोग आएंगे 11:30 बजे, अभी काम वाली तो आई नहीं है और मैं बना लेती हूँ, जा रही हूँ जल्दी से। दाल चावल आज मैं बनाऊँगी, कद्दू की सब्ज़ी और क्या बनाऊँगी, हाँ कद्दू की सब्ज़ी और कुछ भी नहीं बनाऊँगी आज। भाजी पालक नहीं है आज, सिंपल कद्दू की सब्जी बनाऊंगी मैं। तैमूर, तैमूर जी, क्या बदमाशी, सो उठ के तैमूर गंदी बात है। ए लड़का, अभी सो उठा है, नाश्ता कौन करेगा? तैमूर, तैमूर ए गंदू। अब मैं करा लेती हूँ तैमूर को नाश्ता। ये रोज़ 11:30 बजे सो के उठता है क्योंकि लेट रात तक जगता है ये, और जब से गर्मी बढ़ा है ये जल्दी सो ही नहीं रहा है। और इधर सुबह लेट से सो के उठता है। मुक्कू सिफा भी आ चुके हैं कोचिंग से और आज इन लोग नाश्ता करके नहीं गए थे, सुबह बिस्किट बस खा के गए थे। और सिफा को नहीं लग रहा है भूख तो सिफा थोड़े देर बाद खाऊंगी बोल रही है। मुक्कू खा रही है, सुबह इन लोग चाय पराठा ही खाते हैं, सब्जी वब्जी नहीं खाते हैं। और तैमूर को मैं नाश्ता कराने के बाद फिर बनाऊंगी खाना, और अभी नहीं आई है काम वाली, उसको मैं 11 के बाद ही बोलती हूँ आने के लिए क्योंकि बर्तन तो रहता ही नहीं है। बच्चे लोग नाश्ता लेट से करते हैं तभी बर्तन निकलते हैं। मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। आजकल ज़्यादा किचन में सूट नहीं कर पाती है और ज़्यादा रेसिपी भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि किचन में बहुत गर्मी और एजाज चलता है तो फिर आवाज़ समझ में नहीं आता। एजाज का आवाज़ इतना ज़्यादा है हम लोग के यहाँ का, एक बार चालू करके आप लोगों को दिखाते हैं। एजाज चलता है, आवाज़ अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ अभी कोई भी रेसिपी। और मेरी बन रही है कद्दू की सब्जी और गर्मी बहुत है, एजाज बंद करके बंद करी तब मैं। और मुक्कू सिफा आ गए हैं कोचिंग से, तैमूर भी अभी सो के उठा है 11:30 बजे, उसको मैं नाश्ता करा चुकी हूँ और मुक्कू सिफा कर रहे हैं नाश्ता। पहले मुक्कू करी है, अभी सिफा लेके गई है, सिफा भी कर रही है नाश्ता। वो थोड़ा आई, थोड़ा देर आराम करी, फिर उसके बाद नाश्ता करी। और मुक्कू को लग गया थकस के भूख। वैसे वो लोग सुबह जब जाते हैं तो नाश्ता करते हैं लेकिन रोटी नहीं खाते हैं, उन लोगों को सुबह से रोटी तो नहीं, गर्मी है तो रोटी नहीं खाएंगे बोलते हैं, तो ऐसी बिस्किट तो उस खा के चले जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर रोटी, और उन लोग सिर्फ चाय पराठा ही खाते हैं, सब्जी रोटी तो खाते ही नहीं हैं। जब भी यानी खाएंगे तो चाय पराठा ही खाएंगे। और मेरी काम वाली चले गई है झाड़ू पोछा करके, पूरा घर हो गया है क्लीन। इन लोगों का चल रहा है टीवी, देख लो देख लो। हेलो, और सिफा कर रही है नाश्ता। तैमूर, और तैमूर को मैं अभी चाय रोटी खिला देती हूँ और तैमूर खा रहा है एप्पल। क्या खा रहे हो तैमूर, क्या खा रहे हो जल्दी बताओ, क्या खा रहे हो? अब ये लोग अभी तो तैमूर सब उठाना है, वह कुछ भी नहीं है और मैं भी नहीं नहाई हूँ अभी। अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। मेरा नहाना खाना सब हो चुका है, अब हम लोग कर रहे हैं थोड़ा आराम। और सिफा रोज ज़मीन पे तकिया लगा के लेट जाती है और देखती है टीवी, और आज तो एंजल को अपने ऊपर सुला ली है, एंजल भी बढ़िया सोई है। इतने समय एंजल का सोने का टाइम है, ये पूरा दिन सोती है रात भर जगती है। और सिफा उसके साथ कर रही है बदमाशी, उसको सोने नहीं दे रही है।
और मैं थोड़े देर करूँगी रेस्ट सोफे पे, फिर हम लोग का ऊपर बकरी खुलने का टाइम हो जाएगा तो फिर चले जाएंगे ऊपर। मुक्कू देख रही है टीवी और कूलर को मैं अपने एजी सोए हैं मेरे तो वहाँ हम लोग रूम पे लगा लिए हैं। दिन को हम लोग एसी नहीं चलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ऊपर छत में, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। वो कूलर के पास बैठे रहो तो ठीक लगता है, कूलर सीधा हटोगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है। और बकरी लोगों को दाना पत्ता वत्ता सब खिला के कूलर चालू करके सब कंप्लीट करके आ गए हम लोग। और ये बोरी में रखा है सूखा मिर्ची, ये दुकान का है जो चटनी पीसते हैं लहसुन और सूखा मिर्ची का। और कल मैं मार्केट गई थी तो ये वाला ट्रे लेके आई हूँ, इसे दुकान में भेजना ही भूल गई मैं। और एरियल घड़ी पाउडर और ये है डब शैम्पू और ये है तैमूर का मैगी। तैमूर और सीखा दोनों ही खाते हैं मैगी। ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं था मेरे को बाज़ार से, इसलिए यही सब थोड़ा सा सामान ले गई हूँ और ये ट्रे को भेजूँगी दुकान में, कल भेजूँगी इसके अबू जाएंगे तो। और ये सूखा मिर्ची को रखना है बाहर वाले एक रूम में जहाँ दुकान का सारा सामान रखाता है, पूरे हफ्ते का सामान आता है, फिर एक हफ्ते के बाद फिर दूसरे हफ्ते में फिर सामान आता है। और एक रूम और है जो बाहर तरफ है, वहाँ पूरा सामान भरा है, लहसुन प्याज और मैदा बेसन ये सब दुकान का सामान ही रहता है वहाँ पर। और मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ सोच रही हूँ, बच्चे लोगों से पूछती हूँ क्या सब्जी खाना है हम लोग को। और मेरे मेरे चेहरा देख तो कितना पसीना निकल रहा है। पंखे पंखे के पास रहोगे तो ठीक रहता है, और पंखे से हटोगे और पंखा का आवाज़ इतना आता है कि आवाज़ अच्छे से क्लीन समझ में नहीं आता है। मैं बच्चे लोगों के लिए कुछ बना देती हूँ नाश्ता भी, मैगी खाएंगे तो मैगी। मैं मेरी अम्मी का फ़ोन आया था, थोड़ा सा मैं अम्मी घर से पहले जाऊंगी, फिर वहां से आऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, थोड़ा लेट बनाऊंगी खाना। मैं जाऊंगी अभी अम्मी घर, बच्चे ने फिर मैगी बना देती, फिर मैं जाऊंगी अम्मी के घर। और अम्मी घर अभी नहीं खा रही हूँ क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ ब्लॉगिंग करती हूँ, अभी नहीं पता है। लेकिन बहुत जल्दी उन लोगों को भी बताऊँगी कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ कहके, लेकिन अभी उन लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं वहाँ आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। तो चलो फिर मैगी बना लेती हूँ बच्चे लोग के लिए, फिर अम्मी घर चलती हूँ। उन लोगों का चल रहा है टीवी और तैमूर सोया है और एंजल बैठी है और आपा जान का आने का टाइम भी हो रहा है। अभी ये लोग थोड़े देर ही बस टीवी देखेंगे, फिर आपा जान आ जाएंगे तो फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। और एंजल मेरी इतनी प्यारी बैठी है, बहुत क्यूट है मेरी एंजल। और आप लोग देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा मेरी एंजल को। और बच्चे लोग से मैं पूछ रही हूँ क्या खाओगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग। ये लोग टीवी में बिजी हैं। और तैमूर को देख लेती हूँ सोया है, लेकिन तैमूर रूम पे नहीं है और तैमूर इधर सोया है। ये उड़ गया है सोके और ऐसे देखो चार्जिंग को मांग रही हूँ तो नहीं दे रहा है, दे दो तैमूर। और इन लोगों का चारा है टीवी। और शिफा बोल रही है मैं बना लूँगी मैगी, अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी घर। और ये वाला कूलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा ठंडा करता है, यानी इसको चलाओगे तो रूम पूरा ठंडा हो जाता है, हॉल में चलाओगे तो हॉल ठंडा हो जाता है और बहुत ही कम जगह लेता है ये। इसको कहीं भी ले जाते हैं बच्चे लोग, जहाँ रूम में रहते हैं वहाँ ले जाते हैं, बहुत ही अच्छा है। और मैं रात को अम्मी के घर आने से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैं आई थी 8:30 बजे, फिर आई फिर खाना वाना बनाई तो थोड़ा टाइम हो गया। और फिर सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जैसे निकलने वाले थे वैसे टाइम उड़ गया। वैसे तो 10:30
11 बजे तक सोता है, लेकिन आज वो 6 बजे सो गया है। और अभी अपने अब्बू के साथ नाश्ता करके वो सो गया और मेरे एजे निकल गए। और जो सुबह हम लोग पार्क गए थे, वहीं से फिर मार्केट चले गए थे, वहाँ से हम लोग ले आए सब्जी। और अभी मैं खाना वाना नहीं बनाई हूँ, जा रही हूँ खाना वाना बनाऊँगी। और मैं नाश्ता भी नहीं हुआ है, अब मैं क्या सब्जी नहीं आपको दिखाती हूँ। मैं लेके आई हूँ कटहर, इसको मैं छिलवाई नहीं हूँ, इसे मैं खुद छिलूँगी कटहर को। और ये भी गर्मी का सब्जी है, बहुत टेस्टी बनता है मसाले में। और मेरे को चाहिए था छोटा, ये 1.5 किलो का है, और इस 1 किलो चाहिए था लेकिन 1.5 किलो मिला। और मैं लेके आई हूँ बरबट्टी, ये बरबट्टी और धनिया। धनिया मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ले आती हूँ। मेरे को हर सब्ज़ी में धनिया मेरे को अच्छा लगता है। और ये वाला तख्त को यहाँ बिछा के इस रूम में रखते हैं, क्योंकि इसमें मैं बैठ के सब्जी काटती हूँ, यहाँ बैठ जाती हूँ, इसलिए पीछे ही रहता है। पहले मेरे देवर सोते थे, अब नहीं सोते हैं, सब एसी के चक्कर में सब हॉल में ही सोते हैं। और मैं लाई हूँ खीरा, और ये है वाइट भाटा, ये वाइट, और ये है खीरा, ये देसी वाला है, एक और आता है लेकिन ये देसी है। और टमाटर, और ये कुचाई। अब मैं इसे अच्छे से जमा लेती हूँ फ्रिज में, और ये धनिया को क्लीन करके डब्बे पे रख देती हूँ। अभी मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ है, नाश्ते में मेरा है नाश्ता, आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये मेरा नाश्ता, एक पराठा और काली चाय। वैसे तो मैं अपने एजी के साथ ही नाश्ता करती हूँ, लेकिन आज वो लोग जल्दी कर लिए हैं। तैमूर क्योंकि सोने वाला था, इसलिए दोनों जन साथ कर लिए, मैं बच गई हूँ। अब मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर करूँगी सब्जी की पूरी क्लीनिंग, और फिर उसको जमा के रखूँगी। मेरे को खाना भी बनाना है। तो ये रहा मेरा नाश्ता, आप लोग भी आइए मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। और मैं अपने बाल पे करी हूँ ऑयलिंग, रात को करी थी मैं वहाँ से आने के बाद। और मैं बहुत सिंपल नाश्ता करती हूँ, चाय रोटी चाय पराठा यही सब खाती हूँ। और मेरे को सब्जी सुबह नाश्ता में पसंद ही नहीं है, मैं नाश्ता में सब्जी नहीं खाती हूँ कभी, यानी कभी कभी ही खा लूँगी मेरे एजी के साथ बैठती हूँ तो। नहीं तो मेरा तो चाय रोटी चाय पराठा ही फेवरेट है सुबह नाश्ता में, और यही खाती हूँ मैं, सिंपल नाश्ता मेरा। और यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।